दूध या फिर पानी में एक चीज मिलाकर पीना है। नसों में ब्लॉकेज, नसों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा होना, डायबिटीज होना, और अगर आपका खून गाढ़ा है, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट्स में हमेशा सूजन रहती हो और आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आयुर्वेद के द्वारा बताया गया एक होम रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही जबरदस्त कमाल के रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपको मैं जो रेमेडी शेयर करने वाला हूँ, ये उम्र बढ़ने के साथ होने वाली सभी बीमारियों को दूर करेगी, और अगर उम्र ज्यादा नहीं है फिर भी ये बीमारियां हो रही हो तो भी आपको चुस्त दुरुस्त बनाएगी और आपके शरीर को हेल्दी रखेगी, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाएगी, नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी। इसे आप एज अ टॉनिक रात को सोते समय दूध में मिलाकर पी सकते हैं या फिर सुबह पानी के साथ लीजिए। देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने में आपको ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। घर पर आसानी से आप बना सकते हैं। तो क्या करना है इस रेमेडी को बनाने के लिए, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। आइए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है, किस तरह से इसे लेना है और आपको कौन कौन से फायदे देने वाली है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज लेंगे वह है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी में होता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अलावा इसमें हाई क्वालिटी में प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और कैल्शियम होता है। अगर आपके ज्वाइंट्स में दर्द है, जोड़ों के अंदर लुब्रिकेंट्स की कमी हो गई है, कब्ज या फिर मोटापा है, तो अलसी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देगी। अलसी आपके जोड़ों के दर्द के अलावा उसकी सूजन को भी दूर करेगी। साथ ही साथ जिनको साइटिका हो गया है, नसों में दर्द है, या फिर जिनको न्यूरोलॉजिकल हेल्थ की समस्या है, दमा रहती हो, खांसी रहता हो, उनके लिए भी अलसी बहुत ही अच्छी होती है। यह वात और कफ दोष को दूर करती है। अलसी साथ ही साथ थायराइड में भी बहुत अच्छी होती है। हार्मोनल इंबैलेंस से होने वाली बीमारियों को ये ठीक करती है। अगर आपका पीरियड्स डिले रहता है या फिर जल्दी आ जाता है तो भी आप अलसी खाकर इस समस्या को ठीक कर सकते हो। तो अलसी के एक नहीं सैकड़ों फायदे हैं। तो आपको करना क्या है, एक पैन में 4 से 5 चम्मच अलसी डाल देनी है और धीमी आंच में हल्का हल्का आपको इसे भून लेना है। अलसी जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। अलसी जब भूनने लगेगी तो इस तरह से ये ऊपर की ओर उछलने लगेगी, चट चट की आवाज करने लगेगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसमें अच्छी से खुशबू भी आने लग जाएगी। ये देखिए अलसी भून चुकी है, इसको आपको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लेना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसे कूट कर भी इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी चीज आपको लेनी है, वह है सौंठ पाउडर, यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर। सौंठ देखिए इस तरह का रहता है, आपको आसपास के आयुर्वेदिक दुकान या फिर किसी भी किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। सौंठ का इस्तेमाल हम गरम मसालों में किया करते हैं और सौंठ के बारे में आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिद्धम में बताया गया है कि ये 100 रोगों का इलाज है। जी हाँ, ये कफ और वात नाशक है। सौंठ क्या करता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, जिससे कि नसों की ब्लॉकेज दूर होगी, हड्डियों में होने वाला दर्द दूर होगा, शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ यह मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी को क्योर करेगा और आपके शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को ये कंट्रोल में करेगा। तो यहाँ क्या करना है, आधे चम्मच के बराबर सौंठ पाउडर को इसमें ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर 4 चम्मच अलसी लिया हुआ है और साथ में हम ले रहे हैं आधा चम्मच सौंठ पाउडर। जितनी क्वांटिटी आपको बताई जा रही है उतना ही आपको इस्तेमाल में लाना है, इससे आपको ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि सौंठ की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो आधा चम्मच ही इसमें मिलाइएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो सौंठ पाउडर है आपको डायरेक्ट मार्केट से खरीद कर नहीं लाना है, आपको सौंठ को घर पर ही पीस कर इसका पाउडर तैयार करना है। अब इसमें हम तीसरी सामग्री जो ऐड करेंगे वह है दालचीनी। आपको यहाँ पर 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर ऐड कर देना है। दालचीनी के फायदे की अगर हम बात करें तो यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करती है, साथ ही साथ आपकी हड्डियों के दर्द को दूर करती है और नसों को मजबूत करती है। तो 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर हमने ऐड कर दिया। अगर आपको ज्वाइंट्स पेन की समस्या रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, कमर में दर्द की समस्या रहती है या फिर आपकी एड़ियों में दर्द रहता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ यह एसिडिटी को भी रिड्यूस करती है।
दालचीनी के अपने बहुत से फायदे हैं। दालचीनी के इस्तेमाल से आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ये गुणों का खजाना है दोस्तों। अब यहाँ पर चौथी चीज जो इस्तेमाल करने वाले हैं वह है हल्दी। हल्दी जो है आपके ज्वाइंट पेन की समस्या को दूर करेगी। ज्वाइंट्स में कहीं भी सूजन है, शरीर में कहीं भी स्वेलिंग है, तो उसे दूर करने का काम ये हल्दी करती है। साथ ही साथ ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है, नसों में ब्लॉकेज को दूर करता है और शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। तो हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी आपको हल्दी गांठ के रूप में बाजार से खरीदना है और उसे घर में लाकर पीस लेना है। कभी भी कोई भी हेल्थ टॉनिक बना रहे हो, रेमेडी बना रहे हो, तो मार्केट की पीसी हुई हल्दी इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ध्यान रखिएगा। और हल्दी ही क्यों, जितने भी हम औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी औषधियों को घर पर ही पीसना है। और वैसे सब्जी बनाने के लिए जो आप मसाले का इस्तेमाल करते हो तो कोशिश कीजिए कि घर पर ही पीसकर मसाले तैयार करें। हालांकि इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है लेकिन आपको प्योर चीज मिल रही है, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों आप इसे गाय के दूध के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं, तो आप आलमंड यानी कि बादाम मिल्क के साथ ले सकते हैं या फिर कोकोनट मिल्क के साथ ले सकते हैं, सोया मिल्क के साथ ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको दूध के साथ नहीं लेना हो तो यहाँ पर आप एक कप गुनगुने पानी के साथ भी इस पाउडर को ले सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि कितनी मात्रा में लेना है, तो आपको यहाँ पर एक चम्मच इस पाउडर का लेना है और इसे एक गिलास दूध में डालकर इसे घोल लेना है, मिक्स कर लेना है और पी लेना है। अब कब पीना है, देखिए इसे रात को सोने से आधे घंटे पहले इसे लीजिएगा। रात को सोते समय इस रेमेडी को लेंगे तो आपको इसका 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि रात को सोते समय आपके पूरे शरीर को ये डिटॉक्स करेगा, शरीर को रीजनरेट करेगा। इस तरह से आपको इसे 20 से 25 दिनों तक लेना है। अगर आप रात को दूध के साथ ना ले सको तो आप इसे सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक कप गुनगुना पानी लीजिए, इस पाउडर का फांकी लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। इस तरह से आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। इसे आपको 25 से 30 दिनों तक रोज लेना है। आप देखेंगे आपको फर्क महसूस होने लगेगा, नसों में ब्लॉकेज दूर होने लग जाएगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होने लग जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आने लग जाएगा। इसके अलावा आपको अपने खान पान पर, अपने लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पानी से भरपूर वाला भोजन करने की कोशिश कीजिए। देखिए भोजन दो तरह का होता है, एक होता है पानी से भरपूर और एक होता है बिना पानी वाला। आपको 70% डाइट में वाटर रिच फूड्स और बाकी अन्य चीजें भरपूर होनी चाहिए जिसमें कोई पानी नहीं होता, जैसे कि अनाज, चावल, दाल, गेहूं, चपाती, है ना, सूखे मेवे वगैरह हो गए, ये 30% हिस्सा डाइट में लें। जबकि तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, लौकी, खीरा, है ना, इस तरह की चीजें हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा डाइट में शामिल करना है। अगर आप जल्दी क्योर होना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट का ख्याल तो रखना ही होगा। और इन पानी से भरी चीजों को जितना डाइट में शामिल करोगे उतना ही आप हेल्दी रहोगे। इसके अलावा भी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो ठंड के मौसम में देखा गया है कि जोड़ों में दर्द की समस्या काफी बढ़ जाती है, आपको जोड़ों की मालिश भी करनी चाहिए। मालिश करने के लिए कौन सा तेल अच्छा है, तिल का तेल, जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल। मालिश के लिए बहुत ही बढ़िया तेल की रेसिपी मैंने शूट किया है, वो जल्द ही अपलोड करूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उस तेल से अगर आप जोड़ों की मालिश करेंगे तो जोड़ों का दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा। जी हाँ, ये दर्द को खींचने वाला तेल है दोस्तों, जल्दी से मैं अपलोड करूंगा, इसे जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। अगर ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।